हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्पाइसी होममेड सेजवान चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। क्योंकि हम बाहर से सेजवान चटनी लाते हैं, उससे भी बेस्ट बनती है घर में, और चिकन लॉलीपॉप के साथ खाने के लिए तो ये बेस्ट है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्राइड कश्मीरी रेड चिली लेनी है। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम यूज की है। अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हो तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, और इसके सीड्स नहीं निकालने हैं। और अगर आपको चटनी ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो इसी के साथ आप थोड़ी स्पाइसी वाली रेड चिलीज ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी इसको थोड़ा वार्म वाटर डाल के भिगा के रखना है थोड़ा टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा तक भिगाइए इसे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 से 20 मिनट भी इसे सोक कर सकते हैं। तो चलिए अभी एक बर्तन में जो हमने सोक करके रखी थी चिलीज वो डाल देंगे वही पानी के साथ, और इसे अभी बॉईल आने तक अच्छे से पकाना है। हमारी रेड चिलीज एकदम सॉफ्ट करनी है। देखिए ये बॉईल आ गया है और अच्छी तरीके से मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी गैस बंद कर देना है और इसे ढक के रखना है जब तक ये ठंडी ना हो जाए या फिर रूम टेम्परेचर तक ना आ जाए। चलिए अभी ये ठंडा हो गया है, 10 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। अभी इसे ग्राइंड करना है। मिक्सर जार में सारी चिलीज डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और याद रखिए एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, इसी तरीके से कोर्स ग्राइंड करना है उसे। देखिए ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। चलिए फिर अभी उसे साइड में रखते हैं। और एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। गाइज इसमें ऑयल ज्यादा ही पड़ता है तो इसमें आप कम ऑयल मत डालिए। उसके बाद इसमें डालना है फाइनली चॉप्ड 1/4 कप गार्लिक, एकदम बारीक काटना है उसको, ग्राइंड मत कीजिए गार्लिक को। उसके बाद डालना है 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड अदरक, अदरक को आप ग्रेट भी कर सकते हो। अभी इसे भून लेना है हल्का सा। इसमें मैं धनिया की डंडी डाल रही हूँ काट के। आइडियली इसमें वो सेलरी पड़ती है बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है यूजुअली, तो इसके लिए धनिया की डंडी डालेंगे। देखिए अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और याद रखिए हमें फ्लेम लो ही रखनी है, अगर ज्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो उसके छींटे उड़ सकते हैं। अभी इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है जब तक वो साइड से तेल ना छोड़े। थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, वही मिक्सर जार में आप थोड़ा पानी डाल के वो ऐड कर सकते हो, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी और अभी इसे ढक के पकने देना है। देखिए अच्छी तरीके से इसका कलर भी गाढ़ा हो रहा है, जैसे जैसे पकेगा इसका रंग भी और डार्क होते जाएगा। अभी इसमें डालना है नमक, उसके बाद डालना है 2 टीस्पून शुगर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर, ये प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। और फिर इसमें डालना है 1 टीस्पून सोया सॉस, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल रहे हैं हम बस, और सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस और अभी इसे और 3 से 4 मिनट तक पकाना है। वाव देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी एकदम गाढ़ा हो गया उसका, और साइड से तेल भी छोड़ दिया है। तो हमारी चटनी तैयार है। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेक्सचर बना है और कलर भी एकदम प्रॉपर आया है। अभी इसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसे आप कोई भी एक कंटेनर में या ग्लास के जार में भर के रख सकते हो। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये 1 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है।
जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और बहुत ही जल्द मैं चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।